नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉलेज में कंपटीशन की निशुल्क कोचिंग और तैयारी करवाई जा रही है, उसी सिलसिले में हमने एक मॉनसून का वीडियो पहले अपलोड किया था। कम समय में सारी जानकारी उसमें देने की कोशिश की थी, पर काफ़ी छात्रों की डिमांड आई है कि मॉनसून टॉपिक चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको थोड़ा विस्तृत करके समझाया जाए। अब हम इसको थोड़ा दो भागों में बांट देंगे। पहले पार्ट में हम लोग मॉनसून क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके वो किस तरह से आता है, उसके क्या सिद्धांत हैं, उन पर बात करेंगे। और अगले पोर्शन में, दूसरे पार्ट में, भारत में मॉनसून कब कब आता है और किस तरह से फैलता है, किस तरह से वापस जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज पार्ट वन है जिसमें हम मॉनसून और वो किस प्रकार से भारत में आता है और क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को प्रभावित करते हैं, उन पर बात करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश होगी, कोई लंबी चौड़ी ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि एक सामान्य छात्र को जिसे परेशानी हो। मॉनसून, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की बारिशों का जो मौसम है वो इसी मौसम में आता है, और बारिशों का जो मौसम है बड़ा ही सुहावना और बड़ा ही दिलकश होता है। डॉक्टर तायर गुरदासपुरी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि होली में भीगने से तो बच ही गए मगर, होली में भीगने से तो बच ही गए मगर, अब मॉनसून आने को है, क्या करोगे तुम। तो मॉनसून आने को है, इसकी तैयारियां हमको पूर्व में कर लेनी चाहिए, लेकिन मॉनसून आता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस प्रकार से आता है, अलग अलग सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम लोग बात पार्ट वन में करेंगे। और जैसा कि पहले बताया, पार्ट टू में हम लोग भारत में मॉनसून कब कब कैसे कैसे फैलता है उसका जिक्र करेंगे। तो आज है पार्ट वन जो कि मॉनसून से संबंधित है। इससे पहले कि हम मॉनसून की बात करें, आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत में मॉनसून विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी देश में सिर्फ 33% फसलें सिंचाई से होती हैं, अर्थात बाकी 67% जो एरिया हमारा है या कृषि है वो मॉनसून पर निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की कृषि एक मॉनसूनी जुआ है। अगर मॉनसून अच्छा आ गया तो हमारी कृषि अच्छी, और अगर मॉनसून ख़राब आ गया तो हमारी कृषि भी ख़राब। तो इसलिए 33% जो हमारा फसलें हैं वही केवल सिंचाई से होती हैं और बाकी मॉनसून पर निर्भर करती हैं। जहाँ तक मॉनसून की बात है, तो मॉनसून सबसे पहले जो फोरकास्ट मानसून की गई थी वो 4 जून 1886 में पहली बार मॉनसून का पूर्व अनुमान लगाया गया था कि किस प्रकार से मॉनसून आता है, किस प्रकार से इसकी बारिश होती है। उसका जो फोरकास्ट है, जो पूर्व अनुमान है, वो 4 जून 1886 को लगाया गया था। और 1871 से अगर हम आंकड़े देखें, 1871 से अब तक अगर हम आंकड़े देखें तो 19 बार भारी बाढ़ आई है। इतना मॉनसून स्ट्रांग आया है, इतना पावरफुल मॉनसून आया है कि देश में भारी बाढ़ें आई हैं। ये 19 बार से ज़्यादा भारी बाढ़ें हमारे पास आई हैं। नॉर्मल बाढ़ तो हर साल ही आती है, लेकिन 19 बार जो है बड़ी भयंकर बाढ़ भारत में आई है। इसी प्रकार 26 साल तक, 1971 से अभी देखें तो 26 साल मॉनसून के ऐसे रहे हैं जिनमें मॉनसून कमज़ोर रहा है और जिसमें सूखे के हालात हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े अकाल भारत में पड़े हैं। इस प्रकार के जो बड़े अकाल हैं वो लगभग 26 साल तक 26 बार जो है मॉनसून में पड़े हैं। इसके अलावा बाकी समय में मॉनसून सामान्य रहा है, अपनी सामान्य प्रक्रिया के तहत आता जाता रहा है। जब हम मॉनसून की बात करते हैं तो मॉनसून में कड़कड़ाहट के साथ बिजलियाँ गिरती हैं, तबाही होती है। एक अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष जब मॉनसून आता है तो लगभग 5 लाख बार बिजली गिरती है। 5 लाख बार बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं प्रतिवर्ष जब मॉनसून आता है, और इस घटनाओं में लगभग 1,755 व्यक्तियों की मौत हो जाती है प्रतिवर्ष मॉनसून की वजह से या इन बिजली के कड़कने से। 1,755 व्यक्ति जो हैं औसतन प्रतिवर्ष मारे जाते हैं भारी बिजली गिरने से, और लगभग 5 लाख बार बिजली गिरती है मॉनसून की हमारे इस क्षेत्र में। ये तो जनरल सी बातें थी। अब वापस मॉनसून पे आएँ, मॉनसून देखें तो मॉनसून जो है वो अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। मॉनसून अरबी शब्द
मानसून जो है वो अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, और मौसम का मतलब होता है विपरीत चलने वाली पवने। और ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले अरबी नाविक थे सिद्दी अली, उन्होंने 1554 में किया था मानसून शब्द का, जो कि मानसून मौसम इसका अरबी शब्द है मौसम, उससे मानसून बना। और मौसम का मतलब है विपरीत पवने, जिनका इस्तेमाल सिद्दी अली ने 1554 में सबसे पहले किया था। अब विपरीत पवने क्या है? विपरीत पवनों का मतलब ये है कि पवने छः महीने इस दिशा में चलेंगी और 6 महीने इस दिशा में चलेंगी। विपरीत पवनों का मतलब ये है कि 6 महीने यूं और 6 महीने यूं चलती हैं। इन्हीं विपरीत पवन रिवर्सल ऑफ विंड्स कहा जाता है इसे, और इसी को मौसम का नाम दिया गया, और वही आगे चलकर मानसून बना। मानसून की बात करें तो ये जो विपरीत पवने हैं ये हैं क्या? मोटे तौर पर विपरीत पवने जो हैं वो लैंड ब्रीज, और एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का ही बड़ा रूप है, यानी कि थल समीर और जल समीर का ही बड़ा रूप है। जहां थल समीर 12 घंटे के लिए चलती है, वहीं जल समीर भी 12 घंटे के लिए चलती है। थल समीर और जल समीर 12-12 घंटे के लिए चलती हैं, लेकिन जब उनका बड़ा विस्तृत रूप आ जाता है तब वो मानसून कहलाता है। और यहाँ थल समीर 6 महीने के लिए जल समीर 6 महीने के लिए चलती है, और अगले 6 महीने के लिए थल समीर चलती है। यानी उन्हीं थल समीर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो 12-12 घंटे के लिए चलती है, उसी का बड़ा रूप जो है वो हमको मानसून में देखने को मिलता है, जहाँ 6 महीने के लिए थल समीर और 6 महीने के लिए जल समीर चलती है। भारत और उसके आसपास के इलाके हैं उन्हें मानसून एशिया कहा जाता है। मानसून आता कैसे है, इसके कई कारण हैं। लगभग 17-18 पैरामीटर्स हैं जिनसे मानसून प्रभावित होता है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल 4 मुख्य जो पैरामीटर और मोटे मोटे सिद्धांत हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें कम समय में अधिक बात करनी है। तो जो पहले जो हम 4 सिद्धांत जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले हम लोग शास्त्रीय सिद्धांत देखेंगे, दूसरा जेट स्ट्रीम थ्योरी देखेंगे, तीसरा ITCZ देखेंगे, चौथा एल नीनो देखेंगे, कि इन सब का प्रभाव हमारे मानसून पर किस प्रकार का पड़ता है। तो पहले जो है वो क्लासिकल थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी, ITCZ थ्योरी और एल नीनो थ्योरी। पार्ट 1 में हम इन्हीं थ्योरी पर कंसंट्रेट करेंगे और इन्हीं थ्योरी पर बात करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग भारत में मानसून का प्रभाव और उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्लासिकल थ्योरी, यानी मानसून का शास्त्रीय सिद्धांत। यह आपकी क्लासिकल थ्योरी, जिसको के आप मानसून का शास्त्रीय सिद्धांत भी मान सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी ये शास्त्रीय सिद्धांत और काफी पुराना सिद्धांत है। इसमें जो मानसून आता है वो कुछ भी नहीं है, वो केवल निम्न दाब और उच्च वायु दाब का खेल है। आप जानते हैं कि जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, इसकी जानकारी आपको है। और जहां पर गर्मी होगी वहाँ लो प्रेशर होगा, और जहाँ सर्दी होगी वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर और निम्न प्रेशर का जो खेल है वो मानसून के क्लासिकल थ्योरी में आपको देखने को मिलता है। ये ज़मीन है और ये समुद्र है। अब आप देखें कि जब सूर्य नीचे मकर रेखा पर होता है उस समय सर्दी होती है, और जब कर्क रेखा पर आता है तब गर्मी होती है। जब सूर्य नीचे मकर रेखा से उत्तर की ओर आना शुरू होता है, दिसंबर के बाद सितंबर तक इक्वेटर पे आ जाता है, इक्वेटर के बाद फिर ये कर्क रेखा तक आता है। आपको पता है कि जून महीने में ये कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ आना शुरू होता है, ऐसे कंडीशंस में, ऐसी दशाओं में 3 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर के अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है। उसमें कौन कौन से एरियाज हैं? एक दुनिया की छत, जिसे तिब्बत का पठार कहा जाता है। दूसरा भारत का महान मरुस्थल थार, और पाकिस्तान की सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ। और तीसरा बेकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी झील। ये 3 एरियाज में बड़े बड़े निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं। आप देख सकते हैं
दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल, दुनिया की छत तिब्बत, और भारत का थार मरुस्थल और पाकिस्तान की सुलेमान की थार पहाड़ियाँ, ये जो हैं इन तीनों एरियाज़ में सूरज जब ऊपर की तरफ आता है तो ये तीनों क्षेत्र जो है वो भट्टी की तरह से तपने लगते हैं। इनमें भयंकर गर्मी होती है और ये क्षेत्र जो है वो तपने लगता है, और तपते तपते इस इलाके में बड़े बड़े निम्न वायु दाब के क्षेत्र बन जाते हैं। बैकाल झील, तिब्बत का पठार, थार का मरुस्थल और पाकिस्तान की सुलेमान किरथार की पहाड़ियाँ, तो ये ज़मीन का भाग है जो कि तपने लगता है सूरज की गर्मी से। और पानी आपको पता है कि देर से ठंडा होता है, तो इनकी तुलना में पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है। इस वजह से ज़मीन के ऊपर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और पानी के ऊपर उच्च वायु दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, और हवा हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। तो ऐसे में जब यहाँ पर निम्न प्रेशर बन जाते हैं और आसपास के इलाके में उच्च वायु दाब होता है, समुद्री इलाके में उच्च वायु दाब होता है, तो वहाँ से हवाएं थल की ओर चलना शुरू होती हैं, अर्थात जल समीर चलना शुरू होती है। और जल समीर चूँकि समुद्र से चलती है, वो अपने साथ नमी लेकर के चलती है और जाकर के वो पहाड़ी इलाकों पर और ये इस इलाके में बरसात कराती है। तो ये जो बारिश होती है, ये सारी की सारी बारिश मानसूनी बारिश होती है, और क्लासिकल सिद्धांत के हिसाब से ये उच्च वायुदाब को और निम्न वायुदाब का खेल है कि एक जगह निम्न वायुदाब हो जाता है गर्मी के कारण, दूसरी जगह उच्च वायुदाब रहता है, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं और साथ में नमी लेकर चलती हैं, अर्थात इस इलाके में भारी बारिश का जो कारण बनती है, और ये हमारा मानसूनी एशिया कहलाता है। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से मानसून इस प्रकार से आता है, जो कि एक सामान्य शब्दों में हम लोगों ने आपको बताया कि ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि सामान्य शब्दों में आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि तीन स्थान जो इसके हैं, जिनमें कि ये आपका तिब्बत, थार, सुलेमान और बैकाल झील का एरिया आता है, वहाँ पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र बनते हैं और फिर उनसे प्रभावित होकर हवाएं अंदर की ओर आकर्षित होती हैं जो कि नम होती हैं, जिनसे कि उस क्षेत्र में बारिश होती है। मोटे तौर पर क्लासिकल थ्योरी ये थी। अगली जो थ्योरी है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेट स्ट्रीम, जेट धारा का सिद्धांत। जेट धारा कैसे हमारे मानसून को प्रभावित करती है वो इस थ्योरी में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जेट धारा क्या है? जेट धारा वास्तव में देखा जाए तो ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली एक बहुत मजबूत, बहुत तेज वायु धारा है, जिसकी गति लगभग 120 से लेकर के 180-200 किलोमीटर तक चली जाती है। बहुत तेज़ गति से चलने वाली हवाएं होती हैं और ये वलयकार मेंडरिंग करती हुई चलती हैं, ये धाराएं, ये हवाएं मेंडरिंग यानी घूमती हुई चलती हैं, सीधी नहीं चलती हैं बल्कि घूमती हुई चलती हैं। और जेट धारा इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी महत्वपूर्ण पवने हैं, ये पूरे विश्व के मौसम तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो जब पूरे विश्व के मानसून तंत्र को प्रभावित करती हैं तो जाहिर सी बात है भारत के मानसून तंत्र को भी, मौसम तंत्र, मौसम को भी प्रभावित करेंगी और हमारे मानसून को भी प्रभावित करते हैं। जेट धारा आपको बताया कि ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली मजबूत, स्ट्रांग और पावरफुल वायु धारा होती है जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है, जिसकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व, यानी ऐसे इस दिशा की ओर ये धारा चलती है और बहुत पावरफुल धारा है। जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, यानी कि मकर रेखा पर होता है, मकर रेखा पर होता है, उस समय अपने यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं। जब अपने यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं तो उस समय ये जेट धारा जो है हिमालय के दक्षिण में चलती है, नीचे की ओर, हिमालय के दक्षिण में यानी उत्तर के मैदान में प्रवाहित होती है। बहुत ही पावरफुल विंड है ये। और आपको इससे पहले कि जेट धारा के बारे में हम बात करें, एक थ्योरी और आप देख लो जिसे शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, वायुदाब पेटियों का खिसकाव। आप जानते हैं कि वायुदाब की पृथ्वी पर लगभग 7 पेटियां हैं, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब, फिर निम्न वायुदाब, इस प्रकार से पृथ्वी को मोटी मोटे 7 पेटियों में हमने वायुदाब पेटियों में बांट रखा है। ये पेटियां सूरज के हिसाब से अपनी स्थिति 2-4-5 डिग्री ऊपर नीचे करती हैं। जब सूर्य यहाँ होता है मकर रेखा पर, उस समय वायुदाब पेटियों की स्थिति ये होती है, ये
वायुदाब पेटियों की स्थिति ये होती है, यहाँ वायुदाब पेटियाँ होती हैं और वायुदाब पेटियों के हिसाब से पूरे विश्व की पवनें नियंत्रित होती हैं। तो पवनों को नियंत्रित करती हैं वायुदाब की पेटियाँ, वायुदाब की पेटियों को नियंत्रित करता है सूर्य। तो जब सूर्य मकर रेखा पर होता है उस समय वायुदाब पेटियों की स्थिति ये होती है, जब सूर्य उत्तरायण होते होते भूमध्य रेखा पार करके कर्क रेखा पर चला जाता है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर चला जाता है, तो सूर्य लगभग कई सौ किलोमीटर अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। जब सूर्य अपना स्थान परिवर्तित करता है तो वायुदाब की पेटियाँ भी उससे प्रभावित होकर 3-4 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, यानी पहले यहाँ होती हैं बाद में ये खिसक कर यहाँ आ जाती हैं, ये पेटी यहाँ थी खिसक कर यहाँ आ गई, ये पेटी यहाँ थी खिसक कर यहाँ आ गई। तो सूरज के मूवमेंट के साथ साथ वायुदाब पेटियों में भी शिफ्टिंग होती है और इस शिफ्टिंग को हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियों का खिसकाव। अब देखें जेट स्ट्रीम में क्या होता है, जब सूर्य दक्षिण में होता है यानी कि मकर रेखा पर होता है उस समय जेट धारा हिमालय के दक्षिण से जारी होती है और धीरे धीरे सूर्य जो है वो उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ करता है। जब सूर्य उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ करता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो जगह जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। ऐसे में मार्च अप्रैल जो कि मानसून जून में आता है लेकिन जून से पहले ही मार्च अप्रैल में गर्मी आनी शुरू हो जाती है और उस समय मानसून के बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। मार्च अप्रैल में भी बारिशें पड़ती हैं अपने यहाँ जिनको कि हम प्री मानसून रेनफॉल या पूर्व मानसून की वर्षा के नाम से जानते हैं। तो जब सूर्य दक्षिण में से उत्तर में आता है तो ये इलाका गर्म होता है और सूर्य जब उत्तर में आता है उससे पूर्व क्या स्थिति होती है, जेट धारा यहाँ होती है और मॉनसून की पवनें यूँ जा रही होती हैं ऊपर की ओर। दो सिद्धांत हैं जेट स्ट्रीम के, दोनों की आपको बता देंगे। ऊपर की ओर जा रही होती हैं और ऊपर जाते जाते इनके मार्ग में जेट धारा अवरोध के रूप में खड़ी हो जाती है क्योंकि इनको तो इन हवाओं को अंदर जाना है, ये मानसूनी हवाएँ हैं प्री मानसून की, लेकिन आगे जेट स्ट्रीम खड़ी है जो कि बहुत ताकतवर हवा है, अर्थात ये जो सारी हवाएं हैं यहाँ इकट्ठी होती रहती हैं, यहाँ पर आती रहती हैं इकट्ठी होती हैं और यहाँ पर हवा का दबाव बढ़ने लगता है। अब क्या घटना घटी, अब सूर्य यहाँ से यहाँ आ गया उत्तर की ओर आ गया और वायुदाब पेटियों में शिफ्टिंग हो गई, वायुदाब पेटियों का उत्तर की ओर खिसकाव हो गया। जैसे ही वायुदाब पेटियों का उत्तर की ओर खिसकाव होता है जेट धारा बाहर यहाँ से हिमालय के दक्षिण से निकल करके हिमालय के उत्तर में चली जाती है तिब्बत की तरफ, ये वायुदाब पेटियों के खिसकाव से इसमें भी खिसकाव हुआ और ये यहाँ से निकल करके कहाँ आ गई, उत्तर की ओर आ गई, तिब्बत के उत्तर में चलने लगी, तिब्बत के ऊपर चलने लगी, हिमालय के उत्तर में चलने लगी। इस एरिया में अचानक जगह खाली होती है, जब अचानक जगह खाली होती है तो ये हवाएं जो यहाँ पर इकट्ठी हो रखी होती हैं ये तेज़ी के साथ इस इलाके में प्रवेश करती हैं और तेज़ी से भारत में फैलती हैं। यही वर्षा पूर्व मानसून की बारिश होती है और ये जब केरला में प्रवेश करती है प्री मानसून की बारिश तो यहाँ हल्की हल्की फुहार करती है, हल्की हल्की फुहार करने से यहाँ पर आम की फसलें जो है उनमें रस आता है, उनमें मिठास आती है और वो जो है पकने शुरू होते हैं। इसी कारण केरला में प्री मानसून की रेनफॉल को आम्र वर्षा या मैंगो शावर के रूप में जाना जाता है। यही वर्षा जब कर्नाटक पहुँचती है तो वहाँ पर हल्की हल्की फुहार से फूल खिलते हैं, फूलों की जो खेती हो रही है उनको खिलने में मदद मिलती है और बड़ी अच्छी एक माहौल बनता है फूल खिलने से। उस घटना को हम चेरी ब्लॉसम घटना जानते हैं। ये क्या है, पूर्व मानसून की वर्षा। पूर्व मानसून की वर्षा जब केरला में जारी होती है तो हमारा टॉपिक चल रहा था, बीच में तकनीकी समस्या थोड़ी सी आ गई, हम कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा कि जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गई और यहाँ जो प्री मानसून की बारिश केरला में होती है उसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और उसे आम्रवर्षा कहा जाता है और कर्नाटका में जो होती है उसे जो है वो चेरी ब्लॉसम के रूप में जाना जाता है। और एक और घटना घटती है काल बैसाखी। काल बैसाख जब यहाँ पर आपने देखा कि मौसम हवाएं यहाँ पर इकट्ठी होती रहती हैं, इकट्ठी होने के बाद जब ये धारा ऊपर की ओर शिफ्ट होती है शिफ्टिंग ऑफ मानसून के कारण, तो यहाँ खाली होने से ये पूरी की पूरी हवाएं
धमाके के साथ अंदर प्रवेश करती हैं और इस पूरे इलाके में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ज़ोरदार बारिश करवाती हैं, जिससे बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इस चूँकि ये महीना मार्च अप्रैल के महीने में आती है, बैसाख के महीने में आती है, इसलिए इसे काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। बैसाख के महीने में काल आना, ये घटनाएँ भी इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, आम्र वर्षा क्या है, चेरी ब्लॉसम क्या है और काल बैसाख क्या है। तो ये तो आपने अभी समझा काल बैसाख क्या है। अब हम अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं जो कि ITCZ का सिद्धांत है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये क्या है कि ये वो हवाएं हैं, अंतरा उष्ण कटिबंधीय हवाएं। भूमध्य रेखा पर आप समझते हो, आप जानते हो कि जो हवाएं हैं वो 0 डिग्री पर आकर के मिलती हैं दोनों साइड से व्यापारिक पवने, परंतु जब सूरज उत्तर की ओर चला जाता है तो ये पेटी थोड़ी सी उत्तर की ओर खिसक जाती है और ये हवाएं यहाँ पर आकर मिलना शुरू करती हैं थोड़ा सा उत्तर की ओर। जब दक्षिण में जाती हैं तो ये हवाएं दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, यानी भूमध्य रेखा पर मिलने वाली पेटियां या तो ऊपर या तो नीचे खिसक जाएंगी सूरज के मूवमेंट के साथ साथ। इसे हम अंतरा उष्ण कटिबंधीय परिसरण कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। सामान्य स्थिति पर जब सूरज यहाँ होता है दक्षिण में, तब ये इस दिशा में चल रही होती है अंतरा उष्ण कटिबंधीय जोन। और जब आपको बताया कि सूरज यहाँ से शिफ्ट होकर के उत्तर में आ गया, फिर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जो आपको पहले बताया हुआ है, प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट होते ही ये जो पेटी है ये भारत के ऊपर फैल जाती है, और भारत के ऊपर फैलते ही ये जो हवाएं मानसून की चल रही होती हैं, जो अपनी धीरे धीरे गति से जा रही होती हैं, उनको इनकी वजह से ये पेटी जब भारत में पहुंच जाती है तो इन हवाओं को तेज़ी से लेकर के पूरे भारत में फैला देती हैं। मानसून अपनी गति से जा रहा था, ये पेटी जब भारत में आती है तो इन हवाओं को इसकी सपोर्ट मिलती है और ये पूरे के पूरे भारत में पूरी तेज़ी से मानसून को फैलाने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से ITCZ थ्योरी जो है वो हमारे मानसून को प्रभावित करती है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय परिसरण कहलाते हैं इसको। अब आप अगली थ्योरी जो देखें एल नीनो की बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दो अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको देख सकते हैं, दो अलग अलग डायग्राम्स बना रखे हैं हमने, इन दोनों के अलग अलग तरीके से आपको बताया जाएगा। आप देखें कि पहले जो हमारा सिद्धांत है एल नीनो क्या है, एल नीनो पिरुचिली की क्षेत्र में चलने वाली एक गर्म धारा है, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर ठंडी धारा चलती है और उसके बाद कभी कभी एल नीनो आती है। एल नीनो को शिशु धारा भी कहा जाता है क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है और दिसंबर के महीने में क्रिसमस का त्यौहार होता है, इसीलिए शिशु धारा भी कहा जाता है। एल नीनो धारा पूरे विश्व के मौसम तंत्र को प्रभावित करती है, नुकसान करती है और हमारे मानसून को भी प्रभावित करती है। किस प्रकार से प्रभावित करती है कि जब पानी भूमध्य रेखा पर दोनों तरफ से व्यापारिक पवने आती हैं, इधर से भी व्यापारिक पवन आती हैं और वो सारा पानी इस इलाके में गर्म पानी इकट्ठा करती हैं। जब गर्म पानी इकट्ठा करती हैं और वही गर्म पानी जब सूरज दक्षिण की ओर जाता है तो ये गर्म पानी यहाँ चला जाता है, इधर जो है वो फिर एल नीनो का जन्म होता है दिसंबर में, सितंबर में यहाँ होता है और फिर दिसंबर में यहाँ आ जाती है, 23 दिसंबर के आसपास यहाँ आता है और गर्म पानी का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से गर्म पानी का क्षेत्र इस तरफ जाना शुरू करता है, कुछ पानी ऊपर चला जाता है, कुछ भारत पे चला जाता है। भारत में ऑलरेडी उच्च वायु दाब का क्षेत्र पहले बना होता है सर्दियों में, इसके आसपास यहाँ मेडागास्कर के पास उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है और यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, लेकिन ये धारा आकर के यहाँ के पानी को गर्म करके यहाँ पर निम्न वायु दाब बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बारिशें भारत में जाने की बजाय इधर आ जाती हैं, तो इससे क्या होगा कि भारत का मानसून कमज़ोर होता है। इसी प्रकार से दूसरी एक सिद्धांत जो कि किसी साइंस मैगजीन में छपा है, उस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि आप देखें
कि ये हम्बोल्ट की धारा है, एलिनो धारा ही चल रही है, ये हम्बोल्ट की धारा है जो ठंडी धारा है। जब हम्बोल्ट की धारा चल रही होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक सेल बना होता है, एक सेल बना होता है भारत के ऊपर। ये निम्न वायु दाब के सेल हैं और ये निम्न वायु दाब के सेल की वजह से इस इलाके में अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश होती है क्योंकि ये निम्न वायु दाब यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी है। लेकिन जब एलिनो आ गई, ये आपकी एलिनो आ गई, हम्बोल्ट को हटाकर गर्म ठंडी की जगह गर्म धारा आ गई, और जब एलिनो आती है तो लो प्रेशर यहाँ हो जाता है। जब लो प्रेशर यहाँ होता है तो ये ऑस्ट्रेलियन सेल शिफ्ट होकर के इस एलिनो धारा के ऊपर आ जाता है, और जो भारतीय सेल लो प्रेशर का होता है वो ऑस्ट्रेलियन सेल उधर शिफ्ट कर गया, तो भारतीय सेल भी भारत के ऊपर से निकल करके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक ठाक बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ एक पहले लो प्रेशर का सेल था, अब दूसरा भारतीय सेल यहाँ आ गया, लेकिन भारत के ऊपर से भारतीय सेल गायब हो गया, और इसका मतलब है यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र समाप्त हो गया, और इस वजह से हमारी जो उच्च वायु दाब से आने वाली मानसून पवनें थी वो काफ़ी धीमे आती हैं, कमज़ोर आती हैं, और हमारा मानसून कमज़ोर होता है। उम्मीद है आपको ये सिद्धांत समझ आ गए होंगे। हम अगले पार्ट में भारत में जो मानसून, हाँ अगला जो पार्ट होगा उसमें हम भारत में जो मानसून फैलता है, किस तरह से फैलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और जय हिंद। हाँ जी।